अब हम जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड जेनेरिक्स क्या है वो देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन क्या है। कलेक्शन जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो हमें आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर और मैन्युपुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन जैसे कि सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, मैन्युपुलेशन और डिलीशन, ये सारे ही हम जावा कलेक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब जावा कलेक्शन को मुझे सिंपल एक लैंग्वेज में बोलना हो या फिर एक सिंगल सेंटेंस में बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब मुझे अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर चाहिए तो वो मुझे मिल जाएंगे कलेक्शन से। अब फ्रेमवर्क क्या है वो देखते हैं। सो फ्रेमवर्क जो है वो रेडीमेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि जावा के अंदर हमें इनबिल्ट डेटा टाइप्स मिल जाती है, इनबिल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, फिर बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, वैसे ही हमें रेडीमेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करता है, सो ये रिप्रेजेंट्स करता है सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस को। अब कंबाइंड कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है वो देखते हैं। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो एक आर्किटेक्चर यूनिफाइड करता है जहां हम स्टोरिंग एंड मैन्युपुलेटिंग कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब इसके अंदर क्या होता है, सो इसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं, जैसे कि क्लासेस और एल्गोरिदम। अब हम इसकी हायरार्की देखते हैं कि एक्चुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है। सो अब हमें पता चल गया है कि हम पैकेज कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं। सो जावा डॉट यूटिल करके एक पैकेज है जावा में, जिसकी हेल्प से हम ये सारे ही कलेक्शन फ्रेमवर्क को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक लाइन लिखनी रहती है, दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब जैसे कि यहाँ पे दो लाइनें दिखाई है, एक है डॉटेड लाइन और एक है सिंपल एरो। अब जो डॉटेड एरो है वो क्या डिफाइन करता है कि ये वाला इंटरफेस है जिसे हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं, और एरो क्या डिफाइन करता है कि वो क्लास है जिसे हम एक्सटेंड्स करते हैं। सो सबसे पहले आता है इटरेबल, उसके बाद कलेक्शन। अब कलेक्शन जो है वो तीन तरीके के होते हैं, पहला है लिस्ट, फिर है क्यू और बाद में है सेट। पहला है एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर और स्टैक, ये सारे जो है हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉटेड एरो दिया है, राइट। अब क्यू, क्यू के अंदर है प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू और एरे डी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू जो है उसे हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं, डी क्यू को हम एक्सटेंड करा सकते हैं, और एरे क्यू जो है वो हम इम्प्लीमेंट्स करा सकते हैं। और उसके बाद है सेट, तो सेट के अंदर है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, शॉर्टेड सेट एंड ट्री सेट, ये सारे ही सेट के टाइप है। अब इसके अंदर से हैश और लिंक्ड हैश सेट जो है उसे हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, और शॉर्टेड सेट को हम क्या कराते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, और लास्ट ट्री सेट जो है उसे भी हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अब कौन कौन से इंटरफेसेस है कलेक्शन एपीआई के वो देखते हैं। सो सबसे पहले है कलेक्शन। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि कलेक्शन क्या करता है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये सबसे पहले आता है हायरार्की के अंदर, ये सबसे पहले दिया गया है जो डबल एंडेड क्यू को हैंडल करने के लिए काम आता है, राइट। उसके बाद है लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, सो ये सीक्वेंसेस लिस्ट जो होती है ऑब्जेक्ट की उसे हैंडल करने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है क्यू। अब क्यू क्या करता है, सो क्यू भी है वो एक्सटेंड करा सकते हैं, और जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ लिस्ट जो होता है ना हमारा, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेट, तो सेट को भी हम क्या करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। अब ये भी कलेक्शन है जो क्या हैंडल करता है, सेट्स को हैंडल करता है जो कि यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है। अब सेट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं, राइट। उसके बाद आता है सॉर्टेड सेट। अब ये क्या करता है, तो इसे भी हम एक्सटेंड करा सकते हैं, और ये जो है वो शॉर्टेड सेट जो होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए काम आता है, राइट। तो अब हमें सबका मीनिंग पता चल गया कि कलेक्शन क्या है, डीक्यू क्या है, लिस्ट क्या है, क्यू सेट और शॉर्टेड सेट भी क्या है। अब देखिए, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक पैकेज है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है हमें,
java.util पैकेज से। अब उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सेट ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होते हैं, और लास्ट में एल्गोरिदम्स। अब ये एल्गोरिदम किस काम आते हैं, जैसे कि मुझे कुछ शॉर्टिंग करना हो या फिर सर्चिंग करना हो उसके लिए। अब हम एरे लिस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरे क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ सेम डेटा टाइप, राइट। एरे जो है वो वेरिएबल और डेटा का कलेक्शन है, और वो भी कैसे, सेम डेटा टाइप के, राइट। हम एरे को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, राइट। एरे लिस्ट जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर मतलब कि वो सिक्वेंस में ही डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये रिसाइजेबल है। एरे जो था हमारा वो रिसाइजेबल नहीं था। अब रिसाइजेबल मतलब कि हम एरे की साइज को चेंज नहीं कर सकते, बट हम एरे लिस्ट की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। अब एरे लिस्ट जो है ना, उसके अंदर लिस्ट आता है, ठीक है। सो लिस्ट जो है वो एक इंटरफेस है जो कलेक्शन को एक्सटेंड करता है, और क्या डिफाइन करता है, उसका बिहेवियर, कि हम किस तरीके से एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, सिक्वेंस के अंदर एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब एलिमेंट जो है ना, वो पर्टिकुलर पोजिशन से हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एरे के फॉर्म में मतलब वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हम उसकी पर्टिकुलर पोजिशन पर उसे इंसर्ट या फिर एक्सेस कर सकते हैं। अब लिस्ट के अंदर जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं। अगर आप कोई लिस्ट बनाओ तो उसके अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, राइट। अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से ये समझते हैं कि एक्चुअली कैसे काम करता है। सो, उसके लिए मुझे पहले एक पैकेज इम्पोर्ट कराना है, तो हम लिख देते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब डॉट स्टार, और ये करने से क्या होगा कि यूटिल नाम के पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक क्लास बनाते हैं, दैट इज क्लास कलेक्शन, राइट। अब क्लास कलेक्शन के अंदर हम अपनी मेन मेथड बनाते हैं और लिस्ट बनाते हैं। अब हमने क्लास बना लिया, राइट। अब हमारी मेन मेथड, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, जो हमारा क्या है, कलेक्शन है, राइट। सो लिस्ट का एल कैपिटल, लिस्ट A1 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, क्योंकि हम ये प्रोग्राम किस चीज का कर रहे हैं, एरे लिस्ट का। अब A1.add ये इसकी मेथड है, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करा रहे हैं, टॉप्स, एक स्ट्रिंग एंटर कराई, राइट। A1.add वेंचर, देन A1.add IBM, ये सारी कंपनीज है जो हम इसके अंदर ऐड करा रहे हैं, या फिर आप नाम बोल लो, राइट। अब system.out.println array list elements, अब क्या करना है मुझे, हमने जो भी array list elements लिए उन सारों को हमें प्रिंट कराना है। सो system.out.print/t, ये क्या होता है, टैब प्रोवाइड करने के लिए। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली टैब देनी हो तो इसके लिए हम /t यूज करते हैं, और A1, क्योंकि ये सारे जो है ना वो A1 वेरिएबल से और ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब ये खत्म। नाउ लिस्ट L1 इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। अब हम इसके अंदर दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट और दूसरा लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब L1.here, अब L1.add के अंदर हमने here एंटर करा है, ठीक है। अब वैसे ही L1.add करके हीरल और शास्त्री भी ऐड करा दिया। नाउ system.out.println और कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। अब क्या कर रहे हैं हम, system.out.println linked list elements। अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम के अंदर एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों ही ले लिए है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, L1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कुछ हम एंटर करा रहे वो सारा मुझे प्रिंट कराना है। सो, अब हमने इसे सेव कर दिया collection.java से। अब बारी है इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की। सो, कंपाइल करने के लिए हमें लिखना है जावा, बिकॉज ये कलेक्शन का प्रोग्राम है तो ये ऐसे ही रन नहीं होगा। सो, इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक लाइन याद रखनी है, दैट इज -XMS128M -XMS16M और कलेक्शन, राइट। अब देखो, हम पहले क्या लिखते थे, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा देन जावा, बट ये कलेक्शन का है तो इसको कंपाइल और रन करने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है।
अब पहले हमें क्या मिला, एरे लिस्ट एलिमेंट्स दैट इज टॉप्स वेंचर एंड आईबीएम, दूसरा लिंक लिस्ट एलिमेंट दैट इज हीर हीरल एंड शास्त्री, राइट। तो ये हुआ हमारा कलेक्शन और वो भी एरे लिस्ट।